कोई कहता है वो अलग प्लैनेट से आया है, तो कोई कहता है कि हर गेंद के लिए उसके पास दो शॉट्स हैं, तो कोई पूछता है भाई बॉलर उसे गेंद फेंके भी तो कहां फेंके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव की। यूं तो इस विश्व कप में कई बल्लेबाजों की बल्लेबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी बिल्कुल अलग लेवल। जैसा कि सूर्य कुमार यादव जब इस विश्व कप के लिए जा रहे थे उस वक्त ही उनसे ढेरों उम्मीदें थी। पास्ट एक साल से उनका जैसा प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है। 2022 में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव ने ही बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट गजब का है, आप सोच ही नहीं सकते। उनके तरकश में ऐसे ऐसे शॉट हैं कि जब वो निकलते हैं तो बॉलर को समझ नहीं आता कि गेंद उन्हें कहां फेंके। इसी सूर्य कुमार यादव की बैटिंग का खौफ दिख रहा है। कहां जी? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। वहां सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी किसी और की बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा में है। वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये किस तरह का बैटर है, कैसे कैसे शॉट खेलता है। महान वसीम अकरम ने भी सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को बिल्कुल ही अलहदा बताया है और कहा कि ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे प्लैनेट से आया है, दूसरे ग्रह से आया है, और उसकी क्या बल्लेबाजी है। वकार यूनुस पूछते हैं कि भाई इसको अगर गेंद फेंके तो फेंके कहां। हालांकि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया था, तो हो सकता है कि वो एक रास्ता हो। लेकिन शायद वकार को पता नहीं कि जब सूर्य कुमार अपने पर आते हैं तो कोई भी गेंद वो छोड़ते नहीं। वैसे ये आजमा कर भी गेंदबाज देख सकते हैं। तो जहां तक सूर्य कुमार यादव की बात है तो पाकिस्तान में तो ये स्थिति है ही। जब वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए आ रही थी मिशन मेलबर्न पर, तो उस वक्त से ही ये कहा जा रहा था कि अगर सूर्य कुमार यादव अपनी लय में रहे तो भारत के लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। महान सुनील गावस्कर ने भी ये बात कही है कि सूर्य कुमार यादव बिल्कुल 360 डिग्री के प्लेयर है, मैं इसको अप्रूव करता हूं। उन्होंने कहा कि सारे शॉट उनके पास हैं, और यही नहीं उन्होंने यहां तक बताया कि ये सूर्य कुमार यादव ही हैं जिनकी वजह से जो टीम का टोटल है वो इतना तक पहुंच जाता है जो कि बॉलर्स जो हैं वो डिफेंड कर सके। तो कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से दिखाया है कि एक्सेलरेशन कैसे होता है, तेज गति से रन को कब एक्सेलरेट किया जाए, कब रन गति बढ़ाई जाए और कैसे बढ़ाई जाए, यह दिखाया है सूर्य कुमार यादव ने। इतना ही नहीं, अपनी बैटिंग के जरिए सूर्य कुमार यादव ने मैच का मोमेंटम चेंज कर दिया है। जिन मैचों में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, और लगभग सारे मैचों में सूर्या ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, तो वो मोमेंटम जो है भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो इस विश्व कप में जो भारत का अब तक का प्रदर्शन रहा है उसमें सूर्य कुमार यादव की भूमिका को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा, विपक्षी तो उनकी तारीफ कर ही रहे हैं। एबी डिविलियर्स जो कि खुद 360 डिग्री के नाम से जाने जाते हैं, वो भी सूर्या की बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं। विरोधी जो आप कह सकते हैं विपक्षी, विरोधी नहीं विपक्षी कहना ज्यादा सही होगा, कि जो अपोनेंट टीम्स हैं और खास करके जैसे पाकिस्तान जैसे देश की हम बात कर लें, वहां के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वहां के लोग हैं, उन्हें भी सूर्या की बल्लेबाजी को देखने में एक आनंद आता है, वो मजा लेते हैं उनकी बल्लेबाजी का। और यही तो सूर्या की बल्लेबाजी है, कौन सा शॉट उनके पास नहीं है। कहते हैं कि हर गेंद के लिए उनके पास दो शॉट है। आपने बॉलर के सर के ऊपर से छक्का लगाते तो बहुतों को देखा होगा, लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से, वो भी इंटेंशनली। देखिए कई बार होता है कि एज लगकर वहां छक्का चला जाता है, लेकिन इंटेंशनली वहां पर छक्का लगाना ये सूर्य कुमार यादव के वश की ही बात है। कोई भी गेंदबाज क्या करता है, रन रोकने के लिए आउटसाइड दी ऑफ स्टिक गेंद फेंकता है और ऑफ साइड की फील्ड को मजबूत कर लेता है इस उम्मीद में कि बैटर ऑफ साइड में शॉट खेलेगा, फील्डर वहां ज्यादा रहेंगे तो रन कम बनेगा। लेकिन सूर्या ऑफ स्टिक के बाहर जाकर घुटना मोड़ते हैं, स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, फाइन लेग के ऊपर से छक्का, और अगर उन दोनों जगह पर आपने फील्डर लगा दिए तो विकेट कीपर के सर के ऊपर से छक्का।
शॉर्ट गेंद है तो थर्ड मैन के ऊपर से छक्का, थोड़ा लेंथ बॉल फेंक दिया तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, तो थोड़ी लेंथ गेंद है तो मन किया तो सामने उठाकर मार दिया छक्का, मिड विकेट पर छक्का। तो कौन सा ऐसा फील्ड का एरिया है जहां सूर्य कुमार यादव स्ट्रोक नहीं खेल सकते? जैसा मैंने कहा कि हर गेंद पर उनके पास जो लगता है ऐसा है कि उनके पास दो शॉट है और उन्हें तय करना होता है कि कब वो कौन सा शॉट खेलें, और फील्ड प्लेसमेंट को देखकर वो तय करते हैं कि इस गेंद पर इस बार मैं ये शॉट खेलूंगा। तो सूर्या की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और उनकी चर्चा जो है अभी पूरे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सहित पूरी दुनिया में हो रही है कि कमाल के बैटर्स हैं। एक इन सब के बीच आपको ये भी बताऊं कि सूर्या ने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ रविवार को पारी खेली थी, बेहद नायाब पारी थी। एक वक्त लग रहा था कि टीम इंडिया बमुश्किल जो है 150 तक पहुंच सकेगी, लेकिन वहां से टीम 186 तक पहुंच जाती है, तो वो सिर्फ सूर्या की बैटिंग की वजह से ही हो पाया था। तो उस पारी के बाद सूर्या ने एक पोस्ट किया, और पोस्ट में जो उनका था वो उन्होंने एक नीले कलर से हार्ट की इमोजी बनाई थी, और लिखा भी था कि भाई नीले रंग में रंगे होने से बेहतर और कुछ नहीं। और इस पर जो है विराट कोहली ने, और उसमें वो जो पोस्ट था ना उस पर सूर्या के अलग अलग शॉट खेलते हुई तस्वीरें थी, और उस पर विराट जो है रिप्लाई देते हैं, विराट कोहली खुद रिप्लाई देते हैं और लिखते हैं अलग लेवल। और फिर विराट के इस जवाब का स्क्रीनशॉट लेकर बीसीसीआई जो है उसे फिर से पोस्ट करता है और वो लिखता है अप्रूव्स। तो सूर्या की बल्लेबाजी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, हम भी उनकी बल्लेबाजी को सलाम करते हैं, और अगर सूर्या इसी लय में खेलते रहे तो 15 साल बाद T20 का विश्व कप भारत आ सकता है। तो भारतीय टीम और सूर्या को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।